नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत। आज तारीख आपकी 11 सितंबर 2023 की, बिहार शिक्षक भर्ती के प्राथमिक के रिजल्ट को लेकर के और उच्च प्राथमिक माध्यमिक के रिजल्ट को लेकर के और साथ ही साथ केवल डीएलएड के रिजल्ट को लेकर के कुछ घोषणा हुई है, जो कि आप यहाँ पर एक एक करके अपडेट देख पाएंगे। न्यूज 18 झारखंड आपका जो न्यूज चैनल है, इससे आपकी ये खबर देखने को मिल रही है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट बताया गया है कि 18 से 20 सितंबर तक 9 से लेकर 12 तक का जो लेवल है उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। नीचे आपको ये भी देखने को मिलेगा, शिक्षा विभाग से बीपीएससी ने मांगा फाइनल सुझाव। अगली अपडेट में देखेंगे आप तो ओएमआर की अंतिम रूप से हो रही है जांच। तो कहीं ना कहीं जो लगातार प्रश्न उठ रहा था, क्या ओएमआर सीट देखने को मिलेगी, बिल्कुल देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर रिजल्ट से पहले देखने के को लेकर के एक किसी इंटरव्यू में भी इनके द्वारा कहा गया था। तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि ये जो ओएमआर की अंतिम रूप से जांच हो रही है, रिजल्ट से पहले आपको देखने को मिले, कहीं ना कहीं बाद में कोई सवाल ना उठाए कि ऐसा तो नहीं कि गलत चेक हो गई, इस सारी चीजों से बचने के लिए। और लगभग 1,32,000 अभ्यर्थी बन सकेंगे शिक्षक, वो यहाँ पर बताया गया है। अगली इसी में ही अपडेट में तो 22 से 25 सितंबर तक प्राइमरी का रिजल्ट जो है आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपको रिजल्ट ये जो तिथि देख रहे हैं, कहीं ना कहीं इससे पहले ही ओएमआर सीट जारी होते हुए देखने को मिल सकती है, क्योंकि स्टार्टिंग वाली ऊपर वाली न्यूज में दिखाया कि अभी जो कार्य चल रहा है वो ओएमआर सीट को लेकर के ही चल रहा है, अंतिम रूप से यही जांच आपका हो रहा है। तो ये एक चांसेस बन सकते हैं कि ओएमआर सीट आपकी जो है वो इससे पहले जारी की जाए, उसके बाद आपका रिजल्ट जारी किया जाए और रिजल्ट के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, क्योंकि यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले नहीं होगा, ऐसा इन सभी खबरों से आपको क्लियर हो रहा होगा। क्योंकि वहां पर यानी कक्षा 9, 10, 11, 12 में भर्ती कम थे, इसलिए सबका ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया गया था। आगे यह है कि प्राइमरी में बीएड की बहाली को लेकर के भी सुझाव मांगा गया। साथ ही अगली अपडेट कि सिर्फ और सिर्फ डीएलएड अभ्यर्थियों का ही रिजल्ट इसमें जारी होगा, और ये पहले ही से क्लियर कर दिया था उन्होंने कि हम पहले जो डीएलएड अभ्यर्थी उनका रिजल्ट जारी करेंगे और बीएड अभ्यर्थी जैसा जो शिक्षा आयोग से हमें सभी दिशा निर्देश मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग जो रिजल्ट है वो जारी करेंगे। और यहाँ पर सीटों के एवज में 75% रिजल्ट देने की तैयारी है, ये चीज इनके द्वारा पहले ही कहा गया था कि हम कट ऑफ को ऊपर नीचे भी जो है वो कर सकते हैं। तो यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।